नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप सभी को पता है कि जो सुभाष चंद्र बोस है उनका जन्म जो हुआ था 1893 में हुआ था, कटक में हुआ। कटक कहां पर था? उड़ीसा में। कटक कहां है? उड़ीसा में। 1897 में हुआ, ध्यान दीजिए, 97 में यानी 97 में तब हुआ जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। यानी कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जा रहे हैं शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, तब किनका जन्म हो रहा है? सुभाष चंद्र बोस का। कहां हो रहा है? यस, कटक में हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। आईसीएस मतलब ये समझिए आप, जैसे आज का आईएएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो आज क्या है? आईएएस। तो इन्होंने 1920 में, यानी कि ये समझ रही है इनकी जो एज होगी 19 या 20 साल के आसपास ही होगी, 19 या 20 साल के आसपास इनकी एज होगी, नहीं इनकी एज होगी 23 साल, 22 या 23 साल, क्योंकि 97 में इनका जन्म हुआ। ओके, तो 22-23 साल में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने 1921 में क्या कर दिया? इस पद से त्याग दे दिया और देश सेवा के लिए कूद पड़े। और ये पहली बार असहयोग आंदोलन के दौरान कहां गए? जेल गए। ओके, जेल गए। और 1938 में ये कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे, प्रतिवर्ष होते थे, उसके अध्यक्ष बने। एक तो हरिपुरा में बने थे, हरिपुरा, एक हरिपुरा में अध्यक्ष बने और एक बने त्रिपुरी में। हालांकि ये जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, महत्वपूर्ण अधिवेशन है, हम उसकी चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में। और जो त्रिपुरा में जो 39 में, दरअसल क्या हुआ, जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ कांग्रेस के अंदर ही, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरी तरफ कौन थे? रिप्लाई कीजिए, पहले बता चुका हूं मैं, यस हाँ जी, पट्टाभी सीतारामैया। और उनको सपोर्ट किसने किया हुआ था? महात्मा गांधी ने। उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने उनको पराजित कर दिया और अध्यक्ष जो हुए इलेक्ट हो गए। लेकिन सुभाष, महात्मा गांधी के सम्मान के लिए फाइनली उन्होंने क्या कर दिया? उससे रिजाइन कर दिया उस पद से। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष यानी जो त्रिपुरी के जो अधिवेशन के अध्यक्ष बने वो फिर कौन बने? यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 39 के बाद इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही, या 39 में इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक संस्था बना, एक और दल बनाया कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस का ये भाग, उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना? रिप्लाई कीजिए, यस 39। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना? 39। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड ब्लॉक 39 में किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन कुछ समय बाद इनको लगा कि भाई ये कांग्रेस के अंदर रहकर बहुत जल्दी हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या काम किया? ये कांग्रेस से अलग हो गए। और उसके बाद 42 में ये जाना चाह रहे थे सोवियत संघ, 42 में सोवियत संघ। लेकिन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध वाला जो था सिनेरियो था, जो परिदृश्य था, वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और एक तरफ, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, एक तरफ जो लीडर, जो नेतृत्व कर रहा था वो था ब्रिटेन और दूसरी तरफ जर्मनी। और जो ब्रिटेन था उसकी तरफ कौन था? उसकी तरफ था फ्रांस था, अमेरिका था, और बाद में सोवियत संघ भी उसकी तरफ मिल गया, और भी कुछ अन्य राष्ट्र थे ऑस्ट्रेलिया जैसे। और जो ये जर्मनी था, जर्मनी के तरफ कौन था? जर्मनी की तरफ जापान था, तुर्की था, और कुछ अन्य राष्ट्र थे। तो जब इन्होंने देखा ये सोवियत संघ जाना चाह रहे थे, लेकिन सोवियत संघ जब इन्होंने देखा जो मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया, मित्र राष्ट्र मतलब ब्रिटेन वाला जो ग्रुप है उसको मित्र राष्ट्र बोलते हैं, तो जब उनके साथ मिल गया तो इन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया और ये गए कहां? हिटलर के पास। 42 में जा रहे हैं, ध्यान रखिए, 42 में जा रहे हैं हिटलर के पास, यानी कि जर्मनी। जर्मनी में कहां? बर्लिन। ये गए बर्लिन। ओके, और वहां से 43 में वहां मिले हिटलर से, और हिटलर ने इनको नाम दिया क्या आप सभी को पता? यस नेताजी। तो नेताजी नाम किसने दिया? हिटलर ने दिया जब ये बर्लिन में गए। उसके बाद वहां से ये 43 में गए जापान। कहां गए? जापान गए। ओके, और 42 में मार्च 42 में इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की।
रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस जो उनके बड़े भाई थे, रास बिहारी बोस। और कैप्टन जो मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह ने भी इसको स्ट्रॉन्ग किया और इस समय इसमें थे 16,000 सैनिक। कैप्टन जो मोहन सिंह है ये ब्रिटिश सेना के, यानी कि ब्रिटिश भारत की जो सेना थी, यानी कि ब्रिटिश सेना के उसके अधिकारी थे, लेकिन वहां से हटकर कहां गए थे, आजाद हिंद फौज के गठन के लिए, सहयोग के लिए। कहीं कहीं बुक में लिखा है कि रास बिहारी बोस ने इनका गठन किया 42 में इंडिपेंडेंस लीग का, यानी कि हिंदी में बोले तो आजाद हिंद फौज का, और कहीं कहीं और लिखा था इंडिपेंडेंस लीग का जो गठन किया रास बिहारी बोस ने किया, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई ने किया, और कैप्टन मोहन सिंह ने इसको थोड़ा स्ट्रांग किया। और किसी बुक में लिखा कि कैप्टन मोहन सिंह ने इसका गठन किया और रास बिहारी बोस ने इसको स्ट्रांग किया। तो आप दोनों बातें समझ लीजिए, जैसे आपके पास ऑप्शन आएंगे उस हिसाब से आप देख लेना। ओके, तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी। लेकिन फाइनली जो आजाद हिंद फौज में जो जान आई, जो मजबूतीकरण हुआ, जो सुदृढ़ीकरण हुआ, वो आया वास्तव में सुभाष चंद्र बोस के आने पर। 1943 में जब ये जापान आए, तो 43 में आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति और जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया सुभाष चंद्र बोस को। और अब क्या हुआ, जो दक्षिण पूर्व एशिया के मलेशिया इंडोनेशिया ये वाला जो एरिया मलेशिया, तो उस समय मलेशिया सिंगापुर और बर्मा, ये स्थापना कहां हुई थी आजाद हिंद फौज की, सिंगापुर में। ठीक है, ध्यान रखिए सिंगापुर में हुई थी। और सिंगापुर में तो जो मलाया सिंगापुर और जो बर्मा है, इसमें जो ब्रिटिश सेना की तरफ से जो भारतीय लोग लड़ रहे थे, जापानियों ने उनको क्या बना लिया था, बंदी बना लिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जापानियों को बोला कि भाई आप इनको हमें दो, हम आजाद हिंद फौज में इनको शामिल करेंगे और ब्रिटिश सेना के खिलाफ हम युद्ध करेंगे। तो जापान ने उनका सहयोग कर दिया और इन सभी को किसको सौंप दिया, या सुभाष चंद्र बोस को। और जो इन क्षेत्र में बहुत सारे भारतीय थे वो भी किसमें शामिल हो गए, आजाद हिंद फौज में। यस, और इसी समय इन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया, और एक और नारा दिया जय हिंद। क्या नारा दिया, जय हिंद। दिल्ली चलो का नारा भी इन्हीं का है और जय हिंद का नारा भी इन्हीं का है। यस, और 43 में इन्होंने सिंगापुर में अस्थायी सरकार घोषित कर दी, यानी कि भारत सरकार बना दी। अस्थायी सरकार कहां पर, सिंगापुर में, सिंगापुर में। और इन्होंने जापान के साथ मिलकर उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड वगैरह जो ये वाला एरिया है, यहां तक इनके सिपाहियों ने युद्ध लड़े। और जापान के साथ मिलकर अंडमान निकोबार पर भी अटैक किया, और फाइनली जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसको सौंप दिया, आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। और इनका नाम जो रखा गया अंडमान निकोबार, पहले अंडमान ही याद आता है आपको, अंडमान निकोबार, तो ऐसे आप याद कर लीजिए शहीद स्वराज, तो अंडमान का नाम रखा गया शहीद द्वीप और दूसरे वाले का निकोबार का नाम रखा गया स्वराज, तो आप ऐसे याद कर लीजिए शहीद स्वराज। क्या नाम रखेंगे, शहीद स्वराज। और मलेशिया में इन्होंने जब अपने स्पीच हो रहे दिन की, तो इन्होंने ये बोला तुम मुझे गूंदो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे गूंदो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कहां बोला, यस मलेशिया में, यानी कि मलाया में। ओके, तुम मुझे गूंदो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बर्मा में इन्होंने क्या काम किया, बर्मा से इन्होंने जापान के साथ भारत पर अटैक किया। जैसे मैंने बताया उत्तर पूर्व में अटैक किया, तो उत्तर पूर्व से कौन सा मिल रहा, बर्मा, यानी कि बर्मा से कहा उत्तर पूर्व राज्य में अटैक किया। और इनकी जो ब्रिगेड थी, इनकी चार ब्रिगेड थी कुल मिलाकर, एक थी सुभाष ब्रिगेड, एक थी गांधी ब्रिगेड, एक थी नेहरू ब्रिगेड, और एक और महिलाओं की ब्रिगेड थी, उसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। सुभाष ब्रिगेड, गांधी, नेहरू और लक्ष्मीबाई। सुभाष, रिप्लाई कीजिए पर, यह सुभाष, गांधी, नेहरू, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। और इनका जो झंडा था वो कांग्रेस की झंडे की तरह ही था, और इनके झंडे पर जो एक सिंबल बना हुआ था वो था दहाड़ता हुआ शेर। यस, दहाड़ता हुआ शेर। ओके, अगस्त 45 में क्या हुआ, हिरोशिमा नागासाकी पर, 6 अगस्त को बताइए, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम फेंका, नागासाकी पर बम फेंका। फाइनली क्या हुआ, जापान की क्या हो गई, पराजय, जापान की पराजय हो गई, तो आजाद हिंद फौज भी कहीं ना कहीं कमजोर हो गई।
आजादी फौज भी कमजोर हो गई। और जब ये 18 अगस्त को यानी कि उसी महीने ताइकू हवाई अड्डा ताइवान में ताइकू हवाई अड्डा से अड्डे से जब ये टोक्यो जा रहे थे बीच में एक द्वीप पड़ता है फार्मूसा द्वीप। कौन सा द्वीप? फार्मूसा। यस, फार्मूसा द्वीप पड़ता है। तो अचानक इनके वायरल में आग लग गई, कुछ कहते हैं अटैक कर किया हुआ। तो ये जो घटना है, जैसे स्वामी विवेकानंद का जो मृत्यु की घटना है वो भी रहस्य है, इसी तरह से ये घटना भी रहस्य बनी हुई है। तो इनकी मृत्यु हो गई, ये शहीद हो गए। ओके, और जो ये इनके सैनिक थे, इनके सैनिकों को और जो इनके अधिकारी को, उनको पकड़ लिया गया और लाल किले में उन पर अभियोग चलाया गया। लाल किले में अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती, और उसमें क्या थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक सिख थे। कौन थे? गुरुदयाल ढिल्लन। यस, गुरुदयाल ढिल्लन नाम याद कर लीजिए, गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज और पी के सहगल। यस, पी के सहगल, मेजर शाहनवाज, गुरुदयाल ढिल्लन, पी के सहगल। और जब ये तीनों की स्थिति थी तो पूरा देश क्या हो गया, यूनाइट हो गया। और यहां तक कि जो मुस्लिम लीग थी वो भी इनके समर्थन में आ गई। और इनकी तरफ से जो वकालत की, यानी कि जो वकील बने, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, तो इनकी तरफ से जो वकील बने वो थे तेज बहादुर सप्रू। कौन? तेज बहादुर सप्रू। यस, सप्रू याद कर लेंगे तब भी काफी रहेगा। तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, ये कश्मीर जम्मू कश्मीर वाले हैं सप्रू, याद ध्यान दीजिए। तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, के एन काटजू, याद करने के लिए याद कर लिए, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई और के एन काटजू। ओके, तो ये भले इसका जो है समाप्त हो गई हो आजादी बहुत धीरे धीरे, लेकिन इसने पूरे देश में क्या कर दी, एक क्रांति फैला दी। और जो है लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह, एक जागृत हो गया, प्रेरणा हो गई कि देश को आजाद कराना है बिल्कुल। और विशेष रूप से इन्होंने सबसे ज्यादा प्रेरित करने का काम किया ब्रिटेन सेना में जो भारतीय लोग थे। तो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ वो हुआ फरवरी में, 19 फरवरी को नौसेना ने विद्रोह किया और आईएनएस तलवार जो इनका जहाजी बेड़ा था, आईएनएस तलवार, उसने विद्रोह किया और कुछ जो ब्रिटिश सैनिक थे यानी कि जो नौसेना थी अंग्रेज सिपाही थे उनके साथ फाइटिंग भी हुई। लेकिन फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद कराची में 20 फरवरी को कराची में वायुसेना ने भी विद्रोह कर दिया और समानता की मांग की। और नौसेना कई जगह तो क्या हुए, आजादी फौज के इन सैनिकों ने बिल्ले भी लगाए। और जब ये लोग रिहा हो गए मजबूरन, इनको क्या पूरे देश ने इतना दबाव कर दिया अंग्रेजों पर कि अगर वो इनको फांसी पर लटका देते तो पूरा देश तुरंत विद्रोह कर देता और अंग्रेजों को भागना पड़ता। तो फाइनली मजबूरी में उन्होंने इनको रिहा कर दिया। और इनके स्वागत के लिए जो बहुत सारे भारतीय सैनिक भी थे, ब्रिटिश सेना के सैनिक थे, उन्होंने अपने ऊपर क्या यूनिफॉर्म में थे और आजादी फौज के बिल्ले लगाए हुए थे और इनका स्वागत समारोह में स्वागत किया, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली, एक जोश आया कि सेना भी हमारे अब साथ है। हाँ, जो ये सिनेरियो था, जो ये परिदृश्य था, ये था द्वितीय विश्व युद्ध का था। इस युद्ध में भले ही ब्रिटेन जीत गया हो, लेकिन ब्रिटेन जीतने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं हार गया, वो कहीं ना कहीं पराजित हो गया। अपना सब कुछ खोकर जीते तो क्या जीते। तो ब्रिटिश के जो सेना थे, जो पहले विश्व युद्ध में भी रही, द्वितीय विश्व युद्ध में भी रही और अलग अलग उपनिवेशों में भी वो विद्रोह का दबा रही है, तो फाइनली क्या हुआ उनके, और जो ये 6 वर्षों से युद्ध कर रही है, परिवार से दूर है, तो उनके जो सैनिक थे बहुत ज्यादा हार चुके थे और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उनका अंदर सहार हुआ था। तो जैसे हम देखते ना कि जो ब्रिटेन में है कहीं ना कहीं जो सेक्स है थोड़ा सा ओपन है, उसका कारण यही है कि पुरुषों की बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो जहां जिसको सहारा मिला, जहां जिसको प्रेम मिला,
वो उसको सारा उसने स्वीकार कर लिया, तो इसलिए कहीं ना कहीं वहां ये चीजें थोड़ा ओपन है। हाँ तो इसके वहां दो शक्तियां उभर कर आई, द्वितीय विश्व युद्ध में दो शक्तियां उभर कर आई, एक है अमेरिका और दूसरी क्या थी, रूस, दूसरी रूस थी। ओके तो आइए एक रिविजन करते हैं। तो जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ वो कब हुआ, रिप्लाई लीजिए, यस यस यस, कब हुआ, जब स्वामी विवेकानंद कहां गए, शिकागो, यस 97 में हुआ। कहां हुआ, यस कटक में हुआ, उड़ीसा में हुआ, आईसीएस बन गए, रिजाइन दे दिया, आयोग में भाग ले लिया, ठीक है, जेल भी चले गए। उसके बाद अध्यक्ष बने दो जगह, यस कौन कौन से सन में, कांग्रेस के, यस 38-39, हरिपुरा, त्रिपुरी। त्रिपुरी में किसको हराया, यस पट्टाभी सीतारमैया को। उसके बाद ये कहां गए, बर्लिन गए, बर्लिन 42 बर्लिन। उसके बाद फिर किससे मिले वहां, यस हिटलर से मिले। हिटलर ने इनको कौन सी पदवी दी, कौन सा नाम दिया, यस नेताजी नाम दिया। फिर कहां गए, यस जापान गए। अब 42 नहीं, मार्च 42 में इंडिपेंडेंस लीग, कहीं पर राजप्यारी बोस, कहीं पर कैप्टन मोहन सिंह। फाइनली जो उसको सुदृढ़ीकरण किया वो किसने किया, यस सुभाष चंद्र बोस ने। और 43 में, यस 43 इंपोर्टेंट याद रखे, 43 में इसके अध्यक्ष बने, सर्वोच्च सेनापति बने, सैनिकों को ले लिया मलाया के सिंगापुर के बर्मा। दो नारे दिए इन्होंने, यस बताइए, यस हां जी, यस कौन से, यस दिल्ली चलो, जय हिंद। और मलाया मलेशिया में स्पीच के दौरान क्या बोला, यस तुम मुझे कौन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दो द्वीप भी जीते, कौन कौन से, अंडमान निकोबार, यानी के शहीद स्वराज, अंडमान निकोबार शहीद स्वराज। चार रेजिमेंट के नाम बताइए इनकी, यस चार ब्रिगेड के नाम बताइए, फटाफट फास्ट फास्ट फास्ट, यस कौन सा, सुभाष, यस गांधी, यस तीसरी कौन सी, नेहरू, चौथी कौन सी, यस लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जो महिलाओं की थी। ओके और इसमें जो इनका झंडा था कांग्रेस के झंडे की तरह था, उस पर क्या बना हुआ था, दहाड़ता हुआ शेर, वेरी गुड। और वो हवाई अड्डा जहां से चले थे ताइवान का, नाम बताइए उसका, यस ताइकू, यस ताइकू। कहां जा रहे थे, यस टोक्यो में जा रहे थे। कौन से द्वीप पर ब्लास्ट हुआ इनका वायुयान, नाम बताइए, यस वेरी इंपॉर्टेंट है, फार्मोसा द्वीप। और इनके अधिकारी कौन कौन थे, जिनको बहुत सारे अधिकारी थे लेकिन जो प्रमुख अधिकारी थे वो तीन थे, नाम बताइए, यस नाम बताइए, यस 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 गुरदयाल सिंह ढिल्लन और मेजर शाहनवाज और पी के सहगल, यस। केस किसने लड़ा, केस बताइए, यस भोला भाई देसाई, के एन काटजू, जवाहरलाल नेहरू, यस तेज बहादुर सप्रू। इसके बाद विद्रोह किसने किया, कौन सी वाली ने किया, कौन सी सेना ने, यस नौ सेना ने, नौ उन्नीस फरवरी को किया नौ सेना ने विद्रोह। और किसके प्रेशर में आत्मसमर्पण किया, यस सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका सम्मान करते थे। 20 फरवरी को वायुयान ने, वायु जो सेना थी, माफ कीजिए, जो वायु सेना थी उसने भी कराची में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो ये भी शुद्ध हुआ, फाइनली ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई। और उसने अपनी टेक्नोलॉजी, कहीं जापान इस पर अटैक ना कर दिया, जो जर्मनी इस पर अटैक ना कर दिया, अपनी जो टेक्नोलॉजी थी तुरंत कहां भिजवाई, गुपचुप तरीके से अमेरिका। और जो अमेरिका इतना विकसित देश है उसका कारण क्या है, ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गई थी, वो अपनी टेक्नोलॉजी को बचाना चाह रहे थे, ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गई थी। यही कारण है कि अमेरिका आज के डेट में एक महाशक्ति बना हुआ है। और एक और शक्ति उभर कर आई, उसका नाम क्या था, यस रूस। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं आपके दिमाग में याद रह गए होंगे, और आप एक सुभाष चंद्र बोस की आजादी फौज के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हो अपने शब्दों में। ओके अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है, अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करेंगे, नए नए शब्दों का यूज करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो एक बहुत बढ़िया आंसर आप इस पर लिख सकते हैं। ओके हाँ, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ मिलते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपको मात्र एक या दो बार वीडियो देखने से ही याद हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।